हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एचटेट, नेट या किसी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप नेट ज्योग्राफी के एग्जाम में रीजनल ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख सकते हैं। ये एचटेट पीजीटी ज्योग्राफी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था फ्रेडरिक ले प्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सन 1991 आर्थिक उदारीकरण के आरंभ होने के बाद देश में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का प्रसरण हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है या दोनों ही सही है। शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। नेक्स्ट है, दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। तो इसमें ए है वो सही है, परंतु जो ये आर है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो अमेरिकी परंपरा में नियोजकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इनका सही अनुक्रम है हार्वर्ड, गिडस, अनविन, पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि दिसंबर 2010 में पूछे गए थे, भारत में राज्य का उपयोग राष्ट्रीय नियोजन की इकाई के रूप में किया जाता है क्योंकि यह एक प्रशासनिक इकाई है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नगरीय भूमि के मूल्य निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ये महत्वपूर्ण तत्व है सुगम्यता। नेक्स्ट है, संसाधन विकास के नियंत्रण अथवा निर्देशन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट है, समरूपता तथा अंतर संबंधता के सिद्धांत का उपयोग के लिए इकाइयों के चित्रण हेतु किया जाता है। ये किया जाता है स्थान विशिष्ट सुविधाओं के लिए। नेक्स्ट है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना मानव कल्याण को समुन्नत करना कहलाता है। ये कहलाता है संपोषक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 2009 में पूछे गए थे, निम्न अंकित में से कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रति हजार व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या। नेक्स्ट है, प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है। तो जो प्रादेशिक विविधता है वो प्रति व्यक्ति आय के कारण होती है। नेक्स्ट है, इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, भारत में संतुलित प्रादेशिक विकास लाने में विकास ध्रुव रणनीति विफल रही है। तो ये क्या है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सामान्य प्रादेशिक पिछड़ेपन की दशाओं में विकास का विस्तृतीकरण कमजोर होता है। ये भी सही है, तथा जो आर है वो एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन में पैट्रिक गिड्स ने निम्नलिखित संदर्भों में से किसका उपयोग किया है? इन्होंने किया है सामाजिक और आर्थिक। नेक्स्ट है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक असंगति पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की गई थी? तो ये की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, भारत में उत्तर उदारीकरण के समय में प्रादेशिक एवं अंतर व्यक्तिगत सत्रों में प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हुई है। ये सही है। नेक्स्ट, नव उदारीकरण की नीतियाँ तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित है और क्षमता मानकों से जुड़ी है। ये भी सही है, तथा जो आर है वो एक ही सही व्याख्या है। नगर नियोजन में समीपस्थ इकाई की अवधारणा प्रतिपादित की थी, ये प्रतिपादित की थी लुई मम्फोर्ड ने। नेक्स्ट है, भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित करने का एक समग्र प्रयास किया था, तो ये प्रयास किया था भारतीय योजना आयोग ने। नेक्स्ट है, प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है, प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है संतुलित विकास करना। नेक्स्ट है, प्रति चुंबक काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है, ये संबंधित है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि जून 2008 में पूछे गए थे, नदी का बेसिन है, ये है ब्रत प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नोडल प्रदेश है? जो महानगरीय प्रदेश है वो क्या है, नोडल प्रदेश। नेक्स्ट है, अग्रगामी सहलग्नताएं सुलभ बनाती है, ये बनाते हैं संसाधनों पर अत्यधिक दबाव को।
विकास की प्रादेशी के असमानताओं को कम करने में जो कारक कार्य करते हैं वे अनेक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे प्रासंगिक है? तो इनमें से है प्रादेशिक अर्थव्यवस्थाओं के बलदायी अग्रिम एवं विलोम अनुबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास में प्रादेशिक असंतुलन का प्रत्यक्ष परमाप है? यह है कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि भूमि का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रूपांकन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इनमें से ग्रेविटी पोटेंशियल मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय असंतुलन इनमें से किसके कारण उत्पन्न नहीं होता है? तो टिकाऊ आर्थिक विकास के कारण। नेक्स्ट है, नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है, किया जाता है स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक है? तो प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक है प्रति व्यक्ति इस्पात का उपभोग। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना संस्थान ने नगरों की कितनी आकार श्रेणियां बनाई हैं? तो नगरों की आकार श्रेणियां 6 बनाई हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लिए विकास में प्रादेशिक भिन्नता को कम करने की नीति को स्पष्ट किया? ये किया है चौथी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियोजित शहर नहीं है? तो इसमें जो लखनऊ है वो नियोजित नहीं है, बाकी चंडीगढ़, भुवनेश्वर और जयपुर ये सभी नियोजित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य 1960 के पश्चात बनाए गए थे उनको निर्माण के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें है नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में सीमांकित करने में बृहत मध्यम एवं सूक्ष्म शब्दों को प्रस्तावित किया, ये प्रस्तावित किया था S.P. चटर्जी ने। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रादेशिक अवसंरचना तत्व नहीं है? तो जो नहरें हैं वो प्रादेशिक अवसंरचना तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, भारत को नियोजन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास किसने किया था? ये प्रयास किया था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन निम्न विकसित देशों में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों की व्याख्या करते हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही उत्तर है इसके। संसाधनों के वर्तिदान में क्षेत्रीय विभिन्नता, उद्योग विकास के स्तरों में विषमता। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है बस्ती श्रेणीबद्धता, ये किसने दिया था? ये दिया था W.T. Kristaller ने। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विश्लेषण, इसके बारे में बताया था वाल्टर आइजर्ड ने। विकास ध्रुव सिद्धांत, ये किसने दिया था? F.P. Rooks ने। और आर्थिक वृद्धि अवस्था, ये है W.W. Rostow। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर अल्पकाल में संतुलित क्षेत्रीय विकास की रणनीतियाँ निश्चित रूप से तीव्र आर्थिक वृद्धि नहीं प्राप्त करती है, तो ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि की रणनीतियाँ आर्थिक सामर्थ्य के अभिलक्षणों पर होती है, न कि प्रादेशिक संतुलन के अभिलक्षणों पर। ये जो आर है ये भी सही है, तथा R.A. की सही व्याख्या है। इस पार्ट में से नेट के एग्जाम में कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जो पिछले 8 साल के पेपर में अभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डाल रही हूँ, तो बाकी जो पार्ट थे उनमें से किसी में 70, 80, 90 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस पार्ट में से सिर्फ 30, 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन को भी जरूर याद कर लेना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप HTET, CTET, NET ऐसे ही किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।